कहानी हेलीकॉप्टर। कल्लू भैया, 6 महीने हो गए इस आपदा के चलते घर में बैठे हुए, अब तो परेशान आ गए हैं। रामदीन ने चाय की चुस्की मारते हुए कहा। कल्लू भैया, हाँ अब आपदा है, सहना तो पड़ेगा ही। रामदीन, लेकिन सुना है कि बहुत लोग गरीबों को भोजन और जरूरी सामान बांट रहे हैं। कल्लू भैया, हाँ फेसबुक और व्हाट्सएप पर फोटो की भरमार तो है। रामदीन, हमारे पड़ोस में कमला रहती है, वह तो इस समय सोशल मीडिया पर छाई है। कल्लू भैया, क्यों, उसने ऐसा क्या कर दिया? रामदीन, उसने कुछ नहीं किया, चौराहे में समाज सेवक आए थे, बिस्किट का पैकेट बांट रहे थे, वह पहुंच गई अपने 4 बच्चों के लिए बिस्किट लेने। कल्लू भैया, अच्छा वो बिस्किट का पैकेट लेते हुए जो गरीब महिला दिख रही थी, वो तुम्हारे पड़ोस में रहने वाली कमला है? रामदीन, हाँ कल्लू भैया वही है। कल्लू भैया, क्या बात है, उसकी फोटो तो मैंने भी कई समाज सेवकों से बिस्किट के पैकेट लेते हुए देखी है। रामदीन, हाँ भैया इस समय वही वायरल हो रही है। कल्लू भैया, तो इतने सारे बिस्किट के पैकेट का कमला करेगी क्या? रामदीन मुस्कुराते हुए, आप भी बड़े भोले हो भैया। कल्लू भैया, कैसे? रामदीन, 12 समाज सेवक आए थे बिस्किट बांटने। कल्लू भैया, अच्छा इसलिए 12 समाज सेवकों के साथ अलग अलग फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। चलो ठीक है, कम से कम 12 बिस्किट के पैकेट तो कमला को मिल ही गए। रामदीन, असल में समाज सेवक तो 12 आए थे, लेकिन बिस्किट का पैकेट एक ही लाए थे। कल्लू भैया, तो क्या एक बिस्किट का पैकेट कमला को मिला? रामदीन, हाँ भैया। कल्लू भैया, लेकिन सोशल मीडिया में तो 12 अलग अलग समाज सेवक उसे बिस्किट का पैकेट दे रहे थे। रामदीन, हर फोटो में बिस्किट का पैकेट एक ही था, समाज सेवक बदलते जा रहे थे। कल्लू भैया, चलो ठीक है, कम से कम उसे एक बिस्किट का पैकेट तो मिला। वैसे इतने बड़े मोहल्ले में और कोई बिस्किट लेने नहीं आया सिवाय कमला के? रामदीन, आए तो नहीं थे, 250 लोग आए थे, तभी तो प्रतियोगिता रखनी पड़ी। कल्लू भैया, प्रतियोगिता? रामदीन, हाँ भैया, समाज सेवक रक्तदान की गाड़ी भी लेकर आए थे, वह कह रहे थे कि एक साथ 2-2 समाज सेवा हो जाएंगी। कल्लू भैया, 2-2 समाज सेवा? रामदीन, हाँ भैया, एक तो बिस्किट का पैकेट वितरण हो जाएगा और दूसरा रक्तदान हो जाएगा। कल्लू भैया, मैं कुछ समझा नहीं, तुम बड़ा घुमा फिरा कर बोलते हो। रामदीन, भैया बिस्किट वितरण करनी थी, लेकिन लेने वाले थे 250 और बिस्किट का पैकेट एक, इसलिए प्रतियोगिता रखी गई कि जो सबसे ज्यादा बोतल रक्तदान करेगा वही प्रतियोगिता जीतेगा और पूरा एक बिस्किट का पैकेट उसे ही मिल जाएगा। कल्लू भैया उत्साहित होकर, फिर? रामदीन, फिर क्या था, 250 लोग उतर आए मैदान में, लेकिन कोई भी 4 बोतल से ज्यादा रक्तदान नहीं कर पाया। कल्लू भैया, तो क्या कमला ने? रामदीन, हाँ भैया, कमला ने अपने बच्चों के भूखे पेट और उनके मायूस चेहरे देखे। फिर क्या था, पूरे 5 बोतल खून दान करके प्रतियोगिता जीत ली। कल्लू भैया, तो इतने बोतल खून रखने के लिए गाड़ी पर्याप्त थी? रामदीन, हाँ भैया, 250 लोगों ने 4-4 बोतल और एक कमला ने 5 बोतल रक्तदान किया था, 2 गाड़ियां और बुलवानी पड़ी तब कहीं जाकर बेचारे खून ले जा पाए। कल्लू भैया, एक तो वे बिस्किट का पैकेट वितरण करें, ऊपर से 3-3 गाड़ियां खून ले जाने के लिए भी बुलाएं, बेचारे समाज सेवक, वैसे कमला तो बहुत खुश हुई होगी। रामदीन, हाँ बहुत खुश थी,
क्योंकि जब चारों बच्चे भूख से तड़प रहे थे तब कमला के हाथ में बिस्किट का पैकेट आ चुका था। लेकिन कल्लू भैया, लेकिन क्या? रामदीन, पैकेट तो हाथ में आ चुका था, लेकिन एक एक करके 12 समाज सेवकों के साथ फोटो खिंचवाते खिंचवाते आधा घंटा बीत गया। खून तो पहले ही प्रतियोगिता जीत चुका था, इसलिए आखिरी फोटो जो सबसे ज्यादा वायरल हुई थी आपको याद है ना? कल्लू भैया, हाँ, जिसमें वो बिल्कुल अधमरी सी दिख रही थी। लग रहा था कि अगर समाज सेवक जी ने बिस्किट का पैकेट नहीं दिया होता तो वह मर ही जाती। उसी की बात कर रहे हो ना? रामदीन, हाँ भैया वही, आखिरी फोटो खिंचवाते खिंचवाते वह बेहोश हो गई थी। कल्लू भैया, फिर क्या हुआ? रामदीन, बेचारे समाज सेवकों की ईमानदारी देखो, कमला के बेहोश हो जाने पर भी अगर चाहते तो बिस्किट ना देते, लेकिन फिर भी उन्होंने उस पैकेट को उसके पास ही फेंका और चले गए। कल्लू भैया, सच में ये होती है भलमनसाहत। अब तो कमला ठीक है ना? रामदीन, हाँ अब होश में आ गई है। सोचो उस निष्ठुर ने जिन लोगों को प्रतियोगिता में हरा दिया था आखिर वे ही काम आए। वही लोग उसे उठाकर उसकी झोपड़ी में छोड़कर आए थे। ईमानदारी से बिस्किट के पैकेट को उसके बच्चों में बांटा था और एक बिस्किट कमला के मुंह में भी ठूस कर पानी पिलाया। तब कहीं जाकर उसे होश आया। कल्लू भैया बड़े ध्यान से सुन रहे थे, बोले, लेकिन होश तो समाज सेवकों की बिस्किट से ही आया ना रामदीन। रामदीन कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया। हाँ भैया, बोल तो आप सही रहे हो, इसलिए तो हम आपको अपना गुरु मानते हैं। कल्लू भैया जोरों से हंस पड़े। कल्लू भैया, रामदीन, हमें लगता है तुम बिस्किट के एक पैकेट को कम आंक रहे हो। रामदीन, नहीं भैया, पता है पूरे 5 रुपए वाला था। कल्लू भैया, नहीं, आपदाओं में बिस्किट के पैकेट की कीमत आंकी नहीं जा सकती। रामदीन, भैया कैसे? कल्लू भैया, तुम्हें याद है ना रामदीन, जब उत्तर की ओर आपदा आई थी और लोग फंसे हुए थे। रामदीन, हाँ भैया, सोशल मीडिया में देखा था। कल्लू भैया, वहां जब लोग फंस गए थे और लोग जब भूख से तड़प रहे थे तब कुछ लोगों ने इसी 5 रुपए के बिस्किट के पैकेट के लिए उन तड़पते हुए लोगों से 500-500 रुपए लिए थे। रामदीन, भैया हमने सुना तो ये भी था कि वहां जिंदा रहने के लिए खाने की सामग्री की बोली लग रही थी। कल्लू भैया, हाँ, अब ऐसे मौकों पर लोग व्यापार नहीं करेंगे तो कब करेंगे? ऐसे ही तो मौके होते हैं जब पैसा बनाया जा सकता है। रामदीन कुछ समय के लिए गहन चिंतन में खो गया। उसे उस बिस्किट की कीमत समझ में आ रही थी जितनी कल्लू भैया बताना चाह रहे थे। कल्लू भैया ने अगली चाय की चुस्की ली। रामदीन, भैया सुना है इस समय लोग अपनी जिंदगी भर की कमाई अस्पतालों में दे रहे हैं। कल्लू भैया, हाँ सोशल मीडिया पर देखा तो है। रामदीन, बस यही सोचकर हम अपनी पड़ोसन, वही जो अस्पताल में नर्स है। कल्लू भैया, कौन, विमला? रामदीन, हाँ भैया वही। मानना पड़ेगा भैया, आपकी याददाश्त बड़ी मजबूत है। कल्लू भैया गर्वित स्वर में, वो तो बस ऐसे ही, तुम क्या बता रहे थे उस पर आओ। रामदीन, हाँ तो भैया यही सोचकर कि अस्पताल में लोग जीवन भर की कमाई देकर आ रहे हैं, मैं अपनी पड़ोसन विमला के पास गया। कल्लू भैया, क्यों? रामदीन, इतने महीनों से खाली बैठा हूं, सोचा उसी से कुछ आर्थिक सहायता मिल जाएगी। कल्लू भैया, फिर मिली? रामदीन, अरे कहां भैया, महीने की आखिरी तारीख थी, पहुंचा तो देखा कि उसके रसोई के बर्तन भी बखड़खड़ा रहे हैं। कल्लू भैया, ओहो बेचारी। रामदीन,
भैया मैंने पूछा कि तुम तो अस्पताल में काम करती हो और सुना है कि लोग अपनी जोड़ी हुई पूंजी अस्पताल में देकर आ रहे हैं, फिर तुम्हारी स्थिति ऐसे कैसे? कल्लू भैया, फिर वो क्या बोली? रामदीन, वो बोली कि ऐसा तो मैंने भी सोशल मीडिया पर देखा है, लेकिन उसके बॉस कहते हैं कि ऐसे समय में जब लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है तब भी हम लोग तुम्हें नौकरी पर रखे हैं, ये कोई काम है क्या? इसलिए आधे वेतन पर पूरा काम करना हो तो करो। पिछले 6 महीने से बेचारी आधे वेतन पर पहले जैसा ही पूरा काम कर रही है। कल्लू भैया, ये तो भला हो उसके बॉस का जो उसने बेचारी को काम से नहीं निकाला, नहीं तो वह भी करोड़ों कर्मचारियों की तरह बेरोजगार हो जाती। रामदीन, करोड़ों? कल्लू भैया, सोशल मीडिया पर देखा था कि करोड़ों लोग इस आपदा में बेरोजगार हो गए हैं। अब सोचो, विमला के अस्पताल वाले बॉस की तरह अगर उनको भी दरिया दिल बॉस मिलता तो बेचारे बेरोजगार तो नहीं होते। रामदीन, हाँ वो तो है, लेकिन भैया अभी भी इस प्रश्न का उत्तर तो मिला नहीं। कल्लू भैया, कौन से प्रश्न का? रामदीन, यही कि अस्पताल में अगर लोग जीवन भर की कमाई देकर आ रहे हैं तो वह है कहाँ? कल्लू भैया, अब अगर नर्स के पास नहीं है तो फिर अस्पताल में डॉक्टर के पास होगी। रामदीन, भैया यही सोचकर तो हम दूसरे पड़ोसी जो विमला के बगल में रहते हैं डॉक्टर साहब के घर पहुंच गए। कल्लू भैया, अच्छा अपने डॉक्टर साहब के घर? रामदीन, हाँ वही, जब मैं गया तो मैंने देखा कि उनके घर की हालत तो और भी दयनीय है। कल्लू भैया, क्यों, डॉक्टर साहब की पगार भी आधी कर दी क्या? रामदीन, नहीं पगार तो उतनी ही है लेकिन अतिरिक्त कुछ नहीं, और तो और डॉक्टर साहब पिछले 6 महीने से डर के कारण अपने घर के लोगों से मिलते तक नहीं हैं। घर के कोने वाले एक कमरे में अकेले पड़े रहते हैं और वहीं से अस्पताल आते जाते हैं। कल्लू भैया, ओहो बेचारे डॉक्टर साहब, उनसे भले तो हम लोग हैं, कम से कम अपने परिवार वालों के साथ तो रह रहे हैं। रामदीन, हाँ वो तो है, लेकिन जब हम वहां से धीरे से निकल आए कि जब वे अपने घर वालों से नहीं मिल रहे हैं तो हम उनसे क्यों मिलें? कल्लू भैया, रामदीन ये तुमने ठीक किया, खामखा तुम उन्हें परेशान करते हैं। रामदीन, वो तो ठीक है लेकिन प्रश्न तो अभी भी उत्तर रही थी है। कल्लू भैया सोच में पड़ गए। रामदीन, अरे भैया जब अस्पताल में लोग अपनी जीवन भर की कमाई देकर आ रहे हैं और वह कमाई न नर्स के पास है न डॉक्टर के पास, तो अस्पताल में और कोई तो दिखता नहीं। कल्लू भैया कुछ समय के लिए विचारों में खो गए। रामदीन उन्हें टकटकी लगाए देख रहा था। कुछ समय बाद कल्लू भैया बोले, रामदीन सुना है शहर में कुछ हेलीपैड बन रहे हैं। रामदीन, हेलीपैड? कल्लू भैया, अरे वही जिसमें हेलीकॉप्टर उतरते हैं। रामदीन, हाँ हाँ याद आया, अपने गांव में हेलीकॉप्टर आया था तब मैदान में हेलीपैड बनाया गया था। कल्लू भैया, हाँ लेकिन इस बार मैदान में बनने की खबर नहीं है। रामदीन, तो फिर कहाँ की खबर है भैया? कल्लू भैया, सुना है इस बार कुछ अस्पतालों के ऊपर बन रहे हैं। रामदीन आश्चर्य से, अस्पतालों के ऊपर? कल्लू भैया, हाँ कुछ अस्पतालों के ऊपर। रामदीन, लेकिन अस्पतालों के ऊपर क्यों? कल्लू भैया, यही तो विचारणी है। रामदीन को सोचकर, भैया अगर हेलीपैड की खबर है तो हेलीपैड अकेले तो बनेंगे नहीं। कल्लू भैया, ये भी सही है, यदि हेलीपैड की खबर है तो हेलीकॉप्टर भी आएंगे। रामदीन, तो क्या पूरी तैयारी हेलीकॉप्टर लेने की है? कल्लू भैया, लगता तो ऐसा ही है। रामदीन, भैया लेकिन प्रश्न तो अभी भी।
राम दीन आधी बात कहकर विचारों में डूब गया। कल्लू भैया रामदीन की ओर देखते रहे। रामदीन कल्लू भैया की ओर देखता रहा। रामदीन, भैया क्या लोगों की जीवन भर की कमाई का हेलीपैड से कुछ संबंध है? कल्लू भैया मुस्कुराते हुए, हो भी सकता है। रामदीन, भैया लोग अपनी पूरी कमाई उन अस्पतालों में हेलीकॉप्टर खरीदने में सहयोग करने के लिए दे रहे हैं। कल्लू भैया, हाँ अब लगा कि तुम हमारे मित्र हो। वास्तव में लोग सहयोग राशि देकर आ रहे हैं। जो भी उन्होंने अपने इस महान जीवन में धन एकत्रित किया है, वे उन्हें हेलीकॉप्टर खरीदने में सहयोग राशि के रूप में दे रहे हैं। नहीं तो तुम ही बताओ, जितना धन उन कुछ अस्पतालों में एकत्रित हो रहा है, वह किसी छोटे उद्देश्य के लिए तो नहीं हो सकता है? हाँ, ये जरूर हेलीकॉप्टर खरीदने की तैयारी है। रामदीन अभी भी कल्लू भैया की ओर देख रहा था, जबकि कल्लू भैया ने अपनी चाय खत्म कर ली थी। शायद प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो चुका था।